नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। 18 वर्षीय रोका ने की घर में घुस कर की हथियार से वारदात। रिवाज के 5 लोग जिंदा चले, मुरारी कश्यप को हुई फांसी। करोड़े की जमीनी का कांड, पुलिस से रिमांड में है आरोपी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 18 वर्षीय रौनक की घर में धारदार हथियार से कर गया प्रहार। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में बुधवार को एक लड़की की उसके घर में घुसकर अज्ञात व्यक्ति ने गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह ने बताया कि कोतवाली देहांत क्षेत्र में गोदानपुर में 18 वर्षीय रौनक की उसी के घर में घुसकर धारदार हथियार से व्यक्ति की मौत कर दी गई। उन्होंने बताया कि हत्या की जानकारी पुलिस तथा अन्य लोगों को तब हुई जब रौनक ने ताऊ के वेद प्रकार उनसे मिलने दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास उसके घर में गए, तब वह लहूलुहान हालत में पाया गया। साथ ही पुलिस आगे की जांच कर रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। रिवाज के 5 लोग जिंदा जले, मुरारी कश्यप को हुई फांसी। मैनपुर की एक अदालत में 4 साल पहले एक ही परिवार के 5 सदस्यों को जलाकर मार डालने वाले मामले में आरोपी के एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आज फांसी की सजा सुनानी आई है। शासकीय अवधि परिषद सिंह चौहान ने बताया कि थाना कोतवाली के माधेश्वरी खपरी गाँव के 4 साल पुराने सामूहिक हत्याकांड के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने मंगलवार को आरोपी मुरारी कश्यप को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। जगदीप ने मुरारी कश्यप के खिलाफ सरला, संध्या, शिखा, ऋषि और राम बहादुर को उनके घर में जिंदा जलाकर मारने की हत्या को अंजाम देते हुए दोषी करार दिया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। करोड़े की जमीन कांड, पुलिस रिमांड में है आरोपी। कानपुर 1000 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में कानून प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस अब तक 250 से अधिक सवाल कर चुकी है। पूछताछ के दौरान एक बड़ा सस्पेंस मिलना सामने आया है, जिसमें पुलिस आयुक्त पूर्व श्रावण कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली पुलिस 1000 करोड़ की जमीन कब्जा के मामले में गिरफ्तार अवनीश दीक्षित से पूछना चाह रही है। पूछताछ के दौरान कई मामले सामने आए और कई गोपनीय राज भी खुले, साथ ही पुलिस आगे की जांच कर रही है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त शायद दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक स्टॉट के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।